हाँ जी सो प्रज्ञा मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन केदारनाथ के लिए। क्या कुछ कहना चाहती हैं केदारनाथ की तरफ से आप? मैं बस बहुत खुश हूँ कि लोगों को पसंद आ रही है, और सबसे ज़्यादा इस बार मैं खुशी इसकी खुशी है कि ये पिक्चर बन गई है और ये अभी थिएटर में चल रही है, तो मतलब हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो हुआ है इस पिक्चर के साथ पिछले कुछ महीनों में, तो आई मीन वी आर जस्ट वेरी हैप्पी कि ये पिक्चर अभी थिएटर में लग गई है एंड पीपल कैन सी व्हाट वी हैव बीन वर्किंग ऑन फॉर सो लॉन्ग। सो स्टार्टिंग डेज में जब मूवी स्टार्ट हुई काफ़ी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, सक्सेस हुई, कैसी रही जर्नी, अप्स एंड डाउन्स? काफ़ी लाइफ ही ऐसी है, अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, तो मतलब वो सब आई मीन मुश्किलें आई थी, मुश्किल था ये सब कुछ जो भी हुआ हमारे साथ उस वक्त, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी। लेकिन आई थिंक ये लाइफ का एक हिस्सा है और ये होता है क्योंकि आपको लाइफ में कुछ सीखना है, कोई रीज़न हमेशा कुछ ना कुछ होता है कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। तो हमने इतना इस पे फोकस नहीं किया, हम हमेशा ही अच्छा सोचते रहे कि कुछ अच्छा होगा, करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो और अच्छा हो ही गया एंड में आके, पिक्चर लग गई, लोगों को पसंद आ गई, तो आई मीन इट वाज ऑल वर्थ इट जो सब हुआ। सो क्या क्रिटिक्स की बात है, क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पांस मिला, बॉलीवुड से क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट आए आपको? नहीं, जिन्होंने भी देखी उन सबको पसंद आई है फिल्म, तो जहाँ से भी हमने सुना है अच्छा ही सुना है एंड वी वेरी ग्रेटफुल दैट पीपल आर एंजॉयिंग इट। सुशांत सारा, हाँ जी, किस तरह रही बॉन्डिंग और क्या कुछ? दोनों ही बहुत अच्छे लोग हैं, दोनों ही बहुत मतलब बहुत ही हार्ट हैं दोनों में, मतलब दिल से काम करते हैं, दिल से आपके साथ रहते हैं और मतलब दिल जोश से काम करते हैं, तो उसी में मज़ा आता है। तो दोनों ने जान लगाई है और यू नो एक फैमिली की तरह हमने ये पिक्चर बनाई है। सारा के बारे में क्या कुछ कहना है? सारा बड़ा ही इंप्रेस किया उन्होंने अपनी पहली मूवी से, हाँ सबकी नज़रें सारा पे थी, तो कैसी बॉन्डिंग आपकी रही और क्या कुछ आपने देखा सारा में? सारा को मैंने तब से देखा है जब से वो पहली बार हमारे पास आई थी अभिषेक जी के साथ मीटिंग करने के लिए, और उनको जो मैंने देखा है कैमरा के सामने, मतलब बिकॉज मैंने उनके रशेस देखे हैं, तो जो शुरू में मतलब यू कुड सी कि थोड़ी नर्वस हैं ये हैं, बट देन यू कुड जस्ट सी विद एवरी सीन शी वाज जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर, एंड यू कुड टेल दैट यू नो शी इज़ लिसनिंग टू हर डायरेक्टर, वो सुन रही है कि क्या बोल रहे हैं, कैसे करना है, वो एकदम घुस गए एंड में आके। तो मतलब उनका ग्राफ मैंने जो देखा है, जो आप लोगों ने नहीं देखा क्योंकि आपने मतलब जो पिक्चर में है वही देखा है, लेकिन वो ग्राफ देखने में मुझे बहुत मज़ा आया कि एक इंसान एक पिक्चर में कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। सो अभिषेक सर, आपसे भी कुछ, आपको भी अच्छी नॉलेज है इंडस्ट्री के बारे में, तो आप कुछ कन्वर्सेशन करते हैं कोई मूवी को लेकर या कोई मूवी के पार्ट को लेकर आपसे कुछ? आई मीन हमारा ये साल तो सिर्फ इसी मूवी के साथ यू नो गुजरा है, हमने ज़्यादा दूसरी फिल्मों के बारे में ना देखी है ना ज़्यादा बातें की, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ केदारनाथ रहा है। हम 24 घंटा सिर्फ केदारनाथ के बारे में बात करते थे और सिर्फ उसके बारे में सोचते थे, और कुछ मतलब कुछ वक्त ही नहीं मिला। अभी टाइम मिला है तो अभी देखेंगे पिक्चरें क्या लगी हैं क्या, लेकिन हम वैसे हमें बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ, हम पिक्चरों के बारे में ही बात करते हैं, आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो हमारा एक काफ़ी मतलब क्रिएटिवली एक अच्छा रिश्ता है। अभिषेक, आपका ये बहुत ही अच्छा रहा है, न्यू बॉर्न बेबी घर में आया, हाँ जी, फिल्म क्या कुछ कैसे जर्नी रही, और अभिषेक सर किस तरह टाइम देते थे फैमिली को भी इन सब बीच फिल्म शूटिंग के बीच? हाँ, तो हमारा ना एक्चुअली सेटअप क्वाइट वी गॉट अ गुड सेटअप बिकॉज हमारा घर भी पास में है, मेरे बच्चे ऑफिस भी आते हैं, और हमारा काम भी घर में भी चलता है और ऑफिस में भी चलता है, तो सब कुछ साथ साथ चलता रहता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि अच्छा ये टाइमिंग ऐसा है, हम साथ में चलते हैं। और आई थिंक मेरा बड़ा बेटा जो है इसाना, और उसको शुरू से मालूम है कि ये ऐसा ही है, उसको बहुत नॉर्मल लगता है, उसको ये कभी नहीं लगता कि हम टाइम नहीं दे रहे हैं या ये हो रहा है, वो सेट पे भी आते हैं, उनको अच्छा लगता है देखना, अच्छा ये कैमरा है, यहाँ से शूटिंग होती है, वो खुद अपना कैमरा बना के चालू हो जाता है कि मामा हम शूटिंग से एक्शन, एंड यू नो ही इन्जॉयज़ इट। सो अभिषेक कपूर, आप एज ए ऑडियंस अगर अभिषेक कपूर को आप देखती हैं, हाँ जी, उन्होंने भी दिन ब दिन ग्रो किया है, हाँ जी, उनका उन डायरेक्टर्स में नाम आता है जो टॉप के डायरेक्टर्स हैं, हाँ जी, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप कितना पसंद करते हो उसके बारे में बताएं कुछ? आई मीन खुशी तो बहुत होती है क्योंकि मुझे मालूम है वो अपने पिक्चर में कितनी लगन से काम करते हैं, कितनी मेहनत लगाते हैं, और वो जब पिक्चर बनाते हैं तो और कुछ नहीं सोचते,
मुझे मालूम है उनकी पिक्चर उनके लिए क्या अहमियत रखती है, तो जब उनको उसके लिए रिकग्निशन मिलता है, लोगों का मतलब प्यार मिलता है, तो खुशी तो बहुत होती है। प्रज्ञा मैम, आपका भी कुछ थॉट होता है कि कोई मूवी आप जिसे कोई मूवी हो उसमें आप काम करना चाहें, उस तरह की जॉनर की मूवी किस? ऐसा कुछ खास नहीं है, मुझे कॉमेडीज बहुत पसंद है, तो आई वुड होप टू मेक अ कॉमेडी फिल्म होपफुली इन द फ्यूचर। किसके डायरेक्शन में काम करना चाहेंगे आप? किस डायरेक्टर के साथ? उफ, ऐसे तो मतलब बहुत हैं, बट अभिषेक जी को अगर साइड में रखें, और तो वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स इज़ विक्रमादित्य मोटवानी, मुझे उनकी मतलब उनका काम बहुत पसंद आता है, तो होपफुली उनके साथ कुछ करने को मिले फ्यूचर में। तो सारा की बात हो रही थी, सारा की सिम्बा भी जल्दी रिलीज होने वाली है। हाँ जी हाँ, दैट्स अनदर वेरी गुड, आई रियली एंजॉय रोहित धवन्स फिल्म्स। सो उनसे कुछ बात आपकी हुई, कुछ इंटरेक्शन हुआ अबाउट द सिम्बा? अबाउट सिम्बा, तो सिम्बा और केदारनाथ का जो एंड स्केड्यूल था वो साथ में ही चल रहा था, तो बात तो होती थी कि वो क्या कर रही है वहाँ पे, कैसा लग रहा है अभी, ये गाना शूट किया अभी, ये किया, तो खुद ही तो रहती थी। बट आई थिंक मैंने इतना डिटेल में नहीं गए हम कभी कि क्या हो रहा है, मुझे इसका कि रोहित धवन मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि वो रोहित शेट्टी जी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो फिल्में हैं गोलमाल और सिंघम स्पेशली कॉमेडीज़ में मेरी फेवरेट हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि हाँ वो रोहित शेट्टी जी के साथ काम कर रही हैं। सो अभिषेक सर, आप अपकमिंग क्या लेके आ रहे हैं, किस तरह की जॉनर की फिल्म लेके आ रहे हैं? काफ़ी हमने अलग अलग जॉनर की उनकी फिल्में भी देखी, तो इस बार क्या कुछ लेके आने वाले हैं? कुछ आपसे कुछ बातें उनकी हुई हो तो? होती तो बहुत है, कुछ हटके ही करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें उनकी फिल्में हमेशा अलग होती है, कभी ऐसा नहीं है कि वो सेम जॉनरा या सेम काइंड ऑफ फिल्म बना रहे हो, हमेशा कुछ अलग होता है। एक तो म्यूज़िक पे था रॉक ऑन का, बॉक्सिंग आर्यन के पे बॉक्सिंग का टॉपिक था, काइपो छे सच अ अर्दी फिल्म सच अ यू नो, सो आई मीन कुछ ना कुछ जो भी करेंगे अलग ही करेंगे, कुछ आप बोल नहीं सकते कहाँ जाएंगे वो। सो फिल्म अभी भी पर्दे पर है, क्या कुछ अपने व्यूवर्स को कहना चाहती हैं आप अभिषेक कपूर सर की तरफ से, सारे की तरफ से, सुशांत की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत लगन से काम किया है, और जो भी किया है सच्चे मन से किया है, तो आप देखिए और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आगे अपने दोस्तों को फैमिली वालों को बोलो, और देखिए अभी एक दो हफ्ते और हैं अपने पास, तो प्लीज़ देखिए। थैंक यू सो मच। एक लास्ट न्यू ईयर विश दे दीजिए मैडम। अच्छा, कैसे देते हैं वो? क्या तो नए साल की बहुत शुभकामनाएं, इंग्लिश में भी लाइक आईडी ओके एक कैमरा में देख के। Hi, my name is Pragya Kapoor and I wish you a very, very happy new year. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you.